नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गंडक बराज के सभी फाटक खुलने से बाढ़ का बढ़ा खतरा। वकील भी पंचायत चुनाव में भर सकते हैं नामांकन। पटना से काठमांडू व दुबई के लिए सीधी फ्लाइट के लिए हो रहा है प्लान। कम्युनिटी हेल्थ अफसर के लिए 1 सितंबर से होगी काउंसलिंग। फतुहा के देश बंधु पांडे आज दिखेंगे कौन बनेगा करोड़पति शो में। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन के दौरान बाधित हुई ट्रेनों को फिर से किया गया बहाल। किसान आंदोलन के कारण पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से गुजरने वाली रद्द स्पेशल ट्रेनों का परिचालन पुनर्बहाल किया गया है। अब ये ट्रेनें फिर से चलेंगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने जानकारी दी, जिसके तहत सहरसा से 26 अगस्त को प्रस्थान कर चुकी गाड़ी संख्या 04687 सहरसा अमृतसर व जयनगर से 27 अगस्त को प्रस्थान करने वाली 04649 जयनगर अमृतसर ट्रेन चलेगी। वहीं अमृतसर से 25 अगस्त को प्रस्थान करने वाली 04688 अमृतसर सहरसा स्पेशल व अमृतसर से 25 अगस्त को प्रस्थान करने वाली 06650 अमृतसर जयनगर स्पेशल ट्रेनें खुली। इसके अलावा बरौनी हाजीपुर छपरा के रास्ते आनंद विहार टर्मिनस नाहरलागुन आनंद विहार टर्मिनस के बीच द्विसाप्ताहिक एसी ट्रेन चलेगी। गंडक बराज के सभी फाटक खुलने से बाढ़ का बड़ा खतरा। राज्य के उत्तरी हिस्से में बाढ़ का खतरा फिर से मंडराने लगा है। दरअसल यहां से सटे नेपाल की तराई वाले क्षेत्र में बुधवार से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस कारण से वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है। फाटक खुलने के बाद गुरुवार की दोपहर तक बराज से 2,07,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज नदी में किया गया था, जो कि अब बढ़कर 4,04,000 क्यूसेक के पार चला गया, जिसके बाद से ही सभी फाटकों पर निगरानी को बढ़ा दिया गया है। साथ बराज के अधिकारियों और कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। बता दें कि मूसलाधार बारिश ने गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि कर दी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड डिब्रूगढ़ ने ग्रेड 3 के पदों पर निकाली भर्तियां। ऑयल इंडिया लिमिटेड डिब्रूगढ़ असम ने ग्रेड 3 के 535 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इसके लिए इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉयलर, सिविल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सर्वेयर, वेल्डर, IT में भर्ती होगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं या 12वीं पास के साथ रेलिवेंट ट्रेड में 2 साल का कोर्स होना अनिवार्य है। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 30 साल तक निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 सितंबर 2021 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.oilindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इन पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक को चेक कर सकते हैं। पटना से काठमांडू व दुबई के लिए सीधी फ्लाइट के लिए हो रहा है प्लान। पटना एयरपोर्ट के साथ ही गया और देश के अलग अलग शहरों से विदेशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की व्यवस्था किए जाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। इस पर फैसला हो जाने के बाद दुबई और काठमांडू के लिए सीधी उड़ानें अब राजधानी पटना से ही भर सकते हैं। इस मामले में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। इसके लिए जमीन की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी है। पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पटना काठमांडू और पटना दुबई के साथ साथ गया से गया बैंकॉक, गया काठमांडू, गया यांगून के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के लिए 100% VZF समर्थन के प्रावधान पर राज्य सरकार के द्वारा विचार किया जाए। राज्य सरकार की सहमति के बाद एयरलाइंस के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। वकील भी पंचायत चुनाव में भर सकते हैं नामांकन। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आधिकारिक घोषणा होने के बाद उम्मीदवारी भरने के लिए जश्न जैसा माहौल बन चुका है। इस बीच पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने वकीलों को पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। वकील पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करवाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कानून के तहत इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि वकील वर्ग के लोगों को सामाजिक दायित्व का निभाते हुए पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों पर नामांकन भरकर चुनाव लड़ना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ अफसर के लिए 1 सितंबर से होगी काउंसलिंग। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 2100 रिक्त पदों पर कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की भर्ती की जानी है। इसके लिए शॉर्टलिस्टेड 3422 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 1 सितंबर से शुरू होने वाली है। यह काउंसलिंग 9 सितंबर तक पटना में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में की जाएगी। बताते चले कि इन अभ्यर्थियों ने 6 महीने के पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर GNM BSc नर्सिंग किया हुआ है। इसकी ऑनलाइन परीक्षा अगस्त को हुई थी, जिसमें 30% या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।
अगले 4 दिन भारी बारिश का सितम रहेगा जारी। हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में मानसूनी ट्रफ लाइन के गुजरने का असर बिहार में अच्छे से दिख रहा है। राज्य भर के कई हिस्सों में बीते दिन से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसी स्थिति अगले 4 दिन और बने रहने की संभावना है। हालांकि दिन भर बादल छाए रहने से मौसम सुहावना बना हुआ है और अधिकतम तापमान में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्शी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पूर्वी पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है और लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। फतुहा के देशबंधु पांडे आज दिखेंगे कौन बनेगा करोड़पति शो में। पटना जिले के फतुहा के रहने वाले देशबंधु पांडे आज टीवी के सबसे मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति में दिखने वाले हैं। बकायदा सोनी चैनल ने उनका एक प्रोमो वीडियो भी डाला है, जिसमें उनके खुशमिजाज अंदाज से अमिताभ बच्चन भी बेहद प्रभावित हो रहे हैं। प्रोमो से पता चल रहा है कि फतुहा के लाल शो में 11वें राउंड के क्वेश्चंस तक पहुंच गए हैं। इसका प्रसारण आज रात को टीवी स्क्रीन पर सोनी चैनल पर किया जाएगा। बताते चले कि वीडियो बहुत पहले शूट कर लिया गया था, जिसका प्रसारण आज होने वाला है। राजगीर जू सफारी का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। राजगीर में बनी जू सफारी सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसलिए इसकी मॉनिटरिंग वे खुद से अक्सर करते रहते हैं। इस कड़ी में बीते दिन भी सीएम राजगीर जू सफारी का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां वे इलेक्ट्रिक गाड़ी पर सवार होकर सफारी के चारों तरफ जायजा ले रहे थे। घूमने के क्रम में सड़क किनारे एक बाघ भी उन्हें दिखा, जिसे देखने के लिए सीएम ने कुछ देर के लिए गाड़ी को भी रुकवा दी। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। सफारी का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर नया वेब पोर्टल हुआ लॉन्च। देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपूर्ण देश अमृत महोत्सव मना रहा है। यह उत्सव अगले साल 15 अगस्त तक चलेगा। इसे लेकर कला संस्कृति विभाग ने एक वेब पोर्टल amritmahotsav.bih.nic.in को लॉन्च किया है, जिसके जरिए बिहार में स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और आजादी की लड़ाई में प्रचलित स्थानों की कहानी कार्यक्रमों के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। यह कार्यक्रम बिहार के कला संस्कृति और युवा विभाग के द्वारा ही संचालित होंगे। साथ ही साथ कार्यक्रमों की वीडियो क्लिप भी इस वेब पोर्टल पर अपलोड करके भारत सरकार को भेजी जाएगी। जदयू ने एक साथ राजद, लोजपा और बीजेपी के बयानों पर किया पलटवार। बिहार में कई मुद्दों पर राजनीतिक घमासान जारी है, जिस पर आए दिन नेताओं के बयान आते रहते हैं। इस बीच तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयानों पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। निजीकरण मामले में तेजस्वी द्वारा सवाल उठाए जाने पर जदयू प्रवक्ता ने उन्हें राजद सुप्रीमो के शासनकाल और कांग्रेस द्वारा निजीकरण पर लालू यादव की चुप्पी रहने की बात को याद दिलाई। तो वहीं चिराग पासवान द्वारा प्रतिनिधिमंडल में लोजपा विधायकों को शामिल नहीं करने पर मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि लोजपा का कोई विधायक जातिगत जनगणना बिल को विधानसभा में पास करने में शामिल नहीं था। साथ ही बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के द्वारा जदयू में 3 पावर सेंटर होने के बयान देने पर उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी विधायक का बयान मायने नहीं रखता। बक्सर स्टेशन पर समोसा बन गया रेल यात्री के लिए आफत। अक्सर यात्रियों की लापरवाही के कारण वे रेल दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला बक्सर स्टेशन से आया है, जहां समोसा खाने के चक्कर में यात्री का पैर फिसला और वह सीधे ट्रेन के नीचे आ गया। आश्चर्य की बात यह रही कि ट्रेन उस व्यक्ति के ऊपर से पास भी हो गई, मगर यात्री को खासा नुकसान नहीं हुआ, जो कि राहत की बात हुई। जानकारी के मुताबिक समस्तीपुर का रहने वाला यह यात्री अहमदाबाद से चलकर बरौनी तक जाने वाली ट्रेन अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस में सवार था। तभी बक्सर स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद वह समोसा खरीदने बाहर निकले और ट्रेन खुल गई, जिस कारण चलती ट्रेन में सवार होने के कारण यह दुर्घटना घटी। पशुपति पारस के FIR पर चिराग पासवान ने किया पलटवार। लोजपा में टूट के बाद से ही चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान के संबंध भी बुरी तरह से बिगड़ गए हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने दिल्ली में एक FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें उनके हाजीपुर दौरे के वक्त उनकी जान लेने की साजिश रचने की बात कही गई है। इस मामले में बीते शाम को मीडिया ने चिराग पासवान से सवाल भी किया, तो उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार में अच्छी तालमेल होने के बावजूद भी केंद्रीय मंत्री को धमकी मिल रही है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं उन्होंने नीतीश सरकार को भी घेरते वे कहा कि FIR से साबित हो गया कि बिहार की सरकार और पुलिस पूरी तरह से फेल हो चुकी है। धोनी का दबंग बिहारी अंदाज वाला वीडियो हो रहा वायरल। IPL के बचे हुए मैचों को फिर से खेलने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच
चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 दिनों तक क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद आईपीएल के लिए दुबई में ट्रेनिंग को शुरू कर दिया है। वहीं ट्रेनिंग के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सीएसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लंबे लंबे छक्के लगाते नजर आ रहे हैं। माही से मैदान में ही किसी साथी खिलाड़ी ने पूछा कि अगला जो बल्लेबाज प्रैक्टिस कर रहा है वह कितनी गेंद खेलेगा। इस पर माही ने बिहारी अंदाज में कहा कि हम भी 4 बॉल बोले थे और 4 बॉल के हम 14 खेले। बिहार में कोरोना संक्रमण के ताजा मामले में मिले 15 नए मरीज। सूबे में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के औसतन 10 से 15 के करीब मामले देखने को मिल रहे हैं। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के दौरान 1,55,804 सैंपलों की कुल जांच हुई, जिसमें 7 संक्रमित मिले। वहीं इस दौरान राज्यभर में 15 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। भोजपुर, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण और सीतामढ़ी से 1-1 मरीज मिले, जबकि खगड़िया से 2, पटना और सहरसा से 3-3 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इस दौरान 13 मरीज राज्यभर में रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्यभर में एक्टिव केस की संख्या 106 हो गई है। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार लंबे समय के बाद स्कूल खुलने के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।